बिहार सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की अलग अलग टीम ने बेनीपट्टी प्रखंड के दो पंचायतों में पहुंचकर विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का जांच किया, जिसमें कई गड़बड़ियां देखने को मिली। अधिकारियों की टीम ने सात निश्चय योजना के तहत नल जल एवं गली नली के साथ साथ स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सड़क, मनरेगा, पीएम आवास, जन वितरण प्रणाली की दुकान, उप स्वास्थ्य केंद्र सहित कई योजनाओं का जांच किया। इस दौरान अंचलाधिकारी बेनीपट्टी पल्लवी कुमारी गुप्ता ने ब्रह्मपुरा पंचायत में सर्वप्रथम जयभद्र झा राजकीय कृत मध्य विद्यालय हरिहर स्थान ब्रह्मपुरा का निरीक्षण किया, जहां शिक्षकों की उपस्थिति में बच्चे पठन पाठन कर रहे थे एवं मध्याह्न भोजन भी बना हुआ था। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 188 का भी अंचलाधिकारी ने निरीक्षण किया, जहाँ सेविका सहायिका उपस्थित थी एवं नामांकित 35 बच्चे में से 13 बच्चे उपस्थित पाए गए। इसके बाद ब्रह्मपुरा पंचायत के वार्ड 2 में नल जल योजना की जांच की गई, जहां पानी चल रहा था। इसके बाद वार्ड 1 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मपुरा मुसहरी का जांच किया गया, जहां अनियमितता पाई गई। विद्यालय में बच्चे उपस्थित नहीं थे एवं मध्याह्न भोजन भी नहीं बनाया गया था। विद्यालय का चापाकल खराब रहने एवं बिजली नहीं मिलने का भी शिकायत ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी से किया है। अंचलाधिकारी बेनीपट्टी पल्लवी कुमारी गुप्ता ने अविलंब विद्यालय के विधि व्यवस्था का सुधार करने का निर्देश विद्यालय प्रभारी को दिया है। उपाय सोचवे या मुसा मुसारी कहिए कर लेबे एकटा भोज है सुनही ना था अधिकारी है।